हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे रिलीफ्स ऑफ ओशन बेसिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो आज का क्वेश्चन नंबर वन है, फॉलोइंग रिलीफ जोन्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशन बेसिन्स। तो ओशन बेसिन्स की अगर हम बात करें तो ओशन बेसिन्स का सीक्वेंस क्या होता है? इसका सीक्वेंस होता है, इसमें सबसे पहले आती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यहाँ ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में प्रॉपरली दे रखा है, तो इसमें सबसे पहले आती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ऊपर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाएगी कोस्ट। तो कोस्ट के नीचे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, शेल्फ के बाद आ जाती है कॉन्टिनेंटल स्लोप, एंड देन आ जाता है कॉन्टिनेंटल राइज, फिर आते हैं अबिसल प्लेन्स, एंड लास्ट में आती है ओशियनिक ट्रेंच। तो ये है इसका राइट सीक्वेंस। तो आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में भी ये सीक्वेंस पूछा जाएगा, तो इसीलिए ये वाला जो सीक्वेंस है इसको अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने सीक्वेंस ही बताना है। तो सबसे पहले आ रहा है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देन आ रही है स्लोप 2-1, देन आ रहे हैं डीप सी प्लेन्स, अबिसल प्लेन्स को ही बोला जाता है, फिर आ जाएगा 3, एंड देन आ जाएगा 4। 2-1-3-4 इसका करेक्ट सीक्वेंस है। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर इज रफली। वाटर से अर्थ के सरफेस का कितना पार्ट कवर्ड है, कितना कवर्ड है, वो है 2/3। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें ट्रिक नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, द चैलेंजर राइस। चैलेंजर राइस क्या होती है? चैलेंजर राइस होती है जो ओशन के बीचों बीच माउंटेन रेंज होती है। माउंटेन, बहुत सारी माउंटेन्स की जो रेंज होती है ना, उसको बोलते हैं चैलेंजर राइस। तो चैलेंजर राइस कौन से ओशन में है? ये है अटलांटिक ओशन में, जो मिड अटलांटिक रिज है उसको बोलते हैं, एस शेप की रिज है ना, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस साइड यूरोप आ जाता है, यूरोप के नीचे आ जाता है अफ्रीका, तो बीच में आता है अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन के बीचों बीच एस शेप में बनी हुई है मिड अटलांटिक रिज, जिसको बोलते हैं चैलेंजर राइस। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टिनेंटल। ये 4 C's यहाँ पे दे रखे हैं, इसमें से बताना है कॉन्टिनेंटल कौन सा है, तो वो है रेड सी। तो एक बार ये जो सी यहाँ पे दे रखे हैं, इसकी लोकेशन हम मैप पे भी देख लेते हैं। तो ये रहा मेडिटेरेनियन सी, यूरोप और अफ्रीका के बीच में आता है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में आ गया हडसन बे, ये रहा अरेबियन सी, और रेड सी है ये वाला, तो ये वाला है रेड सी। कहाँ पे पड़ता है? इसके एक साइड आ गया ये सऊदी अरेबिया, यमन, और इस साइड आ गया अफ्रीका की कंट्रीज आ जाती है रेड सी के बीच में, ठीक है। तो ये वाला है बीच में रेड सी, जिसको डेड सी भी बोला जाता है, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस डज नॉट हैव अ नॉर्थ साउथ सबमरीन रिज। तो ये है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन में कोई भी नॉर्थ साउथ सबमरीन रिज नहीं है, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अटॉल इज। अटॉल क्या होता है? अटॉल होता है कोरल रीफ का जो आइलैंड बना होता है, रिंग शेप का, कुछ इस टाइप का होता है, रिंग शेप का जो आइलैंड होता है, और उसके बीचों बीच लेक होती है जिसको लगून लेक बोलते हैं, तो वो होते हैं अटॉल्स। तो अटॉल्स क्या हो गया? रिंग शेप्ड आइलैंड्स विद अ लगून एट द सेंटर। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, द वाटर टेबल रेफर्स टू। वाटर टेबल क्या होता है? वाटर टेबल होता है अर्थ के सरफेस के अंदर जो ग्राउंड वाटर है, उस ग्राउंड वाटर की अपर लिमिट क्या है, उसको बोलते हैं वाटर टेबल। तो वाटर टेबल क्या है? द अपर लिमिट ऑफ द जोन ऑफ सैचुरेशन। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग डेप्थ। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फर्स्ट वाला ही, बस इसमें थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट होएगा इसी चैप्टर के अंदर। तो क्या आ जाएगा? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, देन ओशन डेप्थ्स आ जाएंगे, देन डीप सी प्लेन्स। ओशन डेप्थ्स क्या है? ओशन डेप्थ्स ओशन राइस ही है, जो कॉन्टिनेंटल राइस है उसी को बोलते हैं ओशन डेप्थ्स, एंड देन लास्ट में आते हैं डीप सी प्लेन्स। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। ये क्या ओशन डेप्थ क्या है? ये है कॉन्टिनेंटल राइस, ओके। नेक्स्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट बॉडीज। स्मॉलेस्ट बॉडी ये सी दे रखे हैं, तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट सी कौन सा है? वो है जापान सी। इसकी लोकेशन मैं ऑलरेडी मैप पे आपको दिखा चुकी हूँ। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा कौन से कॉन्टिनेंट पे है? वो है नॉर्थ अमेरिका। अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो एज इट इज लर्न करना पड़ेगा।
Next, which one of the following sequence correctly indicates the increasing order of the distance from the coast? Again, order बताना है, तो क्या order आ जाएगा? Continental shelf, then slope, then rise, then abyssal plains. तो option B आ जाएगा इसका answer. Continental है यहाँ पे, C लगाना मैं भूल गई, right? नेक्स्ट है असर्शन रीजन वाला. अ कंपोजिट प्रोफाइल इंक्लूड्स ओनली द लोएस्ट पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ पैरेलल प्रोफाइल्स. अब देखो इसमें सिर्फ लोएस्ट पार्ट नहीं होता, इसमें ओवरऑल रिलीफ आ जाता है कंपोजिट प्रोफाइल में. कंपोजिट प्रोफाइल क्या होती है? ओवरऑल रिलीफ फीचर्स इसमें आ जाते हैं. तो ए वाली जो स्टेटमेंट है असर्शन वाली वो रॉन्ग है. रीजन क्या है? अ कंपोजिट प्रोफाइल इज कंस्ट्रक्टेड टू रिप्रेजेंट द ओवरऑल रिलीफ ऑफ एन एरिया एज व्यूड फ्रॉम डिस्टेंस. तो रीजन वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन बी इज योर आंसर, सॉरी ऑप्शन डी इज योर आंसर. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ गिवन सॉल्ट्स इन सी वाटर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. अब ये जो सी वाटर है इसमें सबसे ज्यादा सॉल्ट कौन सा होता है? वो है सोडियम क्लोराइड. ठीक है, सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड. अब देखो सोडियम क्लोराइड वाले दो हो गए. सोडियम क्लोराइड के बाद आ जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, देन आता है मैग्नीशियम सल्फेट, देन आता है कैल्शियम सल्फेट. ठीक है, ये है इसका करेक्ट सीक्वेंस. तो ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा. इसको लर्न कैसे करेंगे? अब देखो पहले दोनों क्लोराइड वाले आ गए, सोडियम मैग्नीशियम एस एम. ठीक है, फिर आ गया मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट एम सी. तो ऐसे करके आप इसका सीक्वेंस बना सकते हो एस एम एम सी, सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट. नेक्स्ट, मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू. लिस्ट वन में रिजेस दे रखी है, लिस्ट टू में ओशियंस दे रखे हैं. कौन से रिज कौन से ओशन में है? सबसे पहले है मैंडले. मैंडले रिज कौन से ओशन में है? ये है आर्कटिक ओशन में. तो ए मैच होएगा आर्कटिक ओशन के साथ. देन कर्गुलिन, कर्गुलिन रिज है इंडियन ओशन के अंदर. फिर सैन फेलिक्स हुआ, ये रिज कहाँ पे है? ये है साउथ पैसिफिक ओशन के अंदर. एंड लास्ट में है वॉल्विज, वॉल्विज रिज है साउथ एटलांटिक ओशन के अंदर. ठीक है, तो ये है इसका करेक्ट सीक्वेंस. नेक्स्ट है असर्शन रीजन. असर्शन क्या है? इन द डीप ओशन प्राइमरी प्रोडक्शन अकर्स नियर हाइड्रोथर्मल वेंट्स. हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होते हैं? ओशन के अंदर जो हॉट वाटर के स्प्रिंग्स बाहर को आते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स. और इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास प्राइमरी प्रोडक्शन होती है. तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो होते हैं यूजली वहाँ पे होते हैं जहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोस होते हैं, राइट. फिर रीजन क्या दे रखा है? ओवर देयर माइक्रोब्स प्रोड्यूस फूड थ्रू कीमोसिंथेसिस. अब वहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं वहाँ पे जो फूड बनाते हैं माइक्रोब्स वो कीमोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं जो कि फूड चेन का एक बेस है. तो रीजन वाली जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है. असर्शन रीजन दोनों स्टेटमेंट्स ही सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सॉरी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो ऑप्शन बी इज योर आंसर. Next, consider the following statements. Where fold mountains run parallel and close to the coast, continental shelf is narrow or absent. अगर mountain range होएगी साथ साथ तो वहाँ पे continental shelf बहुत ही narrow होएगी या फिर नहीं होएगी. तो first statement बिल्कुल सही है. The average depth for continental shelf is 100 meter. Continental shelf की average depth कितनी होती है? 100 centimeter नहीं होती. कितनी होती है? 60 मीटर्स होती है. 100 मीटर नहीं होती, 60 मीटर्स होती है, राइट. थर्ड, सबमरीन कैनियंस आर मोस्टली फाउंड इन कॉन्टिनेंटल स्लोप. सबमरीन कैनियंस क्या होते हैं? जहाँ पे कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइस होता है ना, दोनों के बीच वाली जो जगह है वहाँ पे क्या बहुत सारी वैलीज होती है. और ये वाली जो वैलीज होती है ये मोस्टली कॉन्टिनेंटल स्लोप वाली साइड होती है, ठीक है, जो कि कॉन्टिनेंटल स्लोप और राइस को अलग अलग करती है. ठीक है, वैलीज उनको बोलते हैं सबमरीन कैनियंस. और ये ज़्यादातर कॉन्टिनेंटल स्लोप वाली साइड पे पाई जाती है. तो स्टेटमेंट थ्री वाली भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, टू वाली रॉन्ग थी, राइट. नेक्स्ट, द सबमरीन फ्लैट टॉप्ड माउंटेन्स आर कॉल्ड ग्योर्ड्स. ग्योर्ड्स क्या होते हैं? जो अंडरसी माउंटेन्स होती है उसको बोलते हैं ग्योर्ड्स. तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. तो 1, 3, 4 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन सी. नेक्स्ट, द कोस्ट लाइन फॉर्म्ड बाय सबमर्जेंस ऑफ माउंटेन रिजेस रनिंग पैरेलल टू द कोस्ट इज कॉल्ड डालमेशियन कोस्ट.
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे है डालमेशियन कोस्ट, फॉर एग्जाम्पल एड्रियाटिक सी में क्रोएशिया जो कंट्री है उसके साथ पड़ता है डालमेशियन कोस्ट यूरोप में, एक साइड इटली आ जाता है, दूसरी साइड क्रोएशिया आ जाती है, और भी छोटी छोटी कंट्रीज आ जाती है, तो क्रोएशिया जो है एड्रियाटिक सी में क्रोएशिया वाली जो कोस्ट है वहाँ पे पड़ता है डालमेशियन कोस्ट। नेक्स्ट मैच लिस्ट वन विथ टू, लिस्ट वन में लैंडफॉर्म टाइप्स है, टू में लोकेशन है। मरियाना ट्रेंच की बात करें तो मरियाना ट्रेंच है वेस्ट पैसिफिक ओशन में। सुंडा ट्रेंच ये है इंडियन ओशन में। सुंडा ट्रेंच जो है इसको जावा ट्रेंच भी बोला जाता है, पहले इसका नाम जावा ट्रेंच था, बाद में इसका नाम बदल के हो गया सुंडा ट्रेंच। पुर्तो रिको ट्रेंच ये है अटलांटिक ओशन में, एंड कार्ल्सबर्ग रिज है अरेबियन सी के अंदर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर सैलिनिटी इन ओशन वाटर। ओशन वाटर में हायर सैलिनिटी कब होएगी, जब इवेपोरेशन ज़्यादा होएगी, प्रेसिपिटेशन कम होएगी, उस टाइम पे ओशन वाटर की सैलिनिटी भी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर, हायर इवेपोरेशन, हायर टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। बारिशें कम होएगी, टेम्परेचर ज़्यादा होएगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होएगी, जिसकी वजह से सैलिनिटी बढ़ जाएगी। अब खुद सोचो, हमारे पास कुछ पानी है ग्लास के अंदर, ठीक है, एक ग्लास है या कोई भी ये बीकर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है हमने, ठीक है, एक लीटर पानी है। एक लीटर पानी के अंदर सपोज 1 kg हमने सॉल्ट इसके साथ डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। सेम वहीं पे यहाँ पे हाफ लीटर वाटर है, हाफ लीटर के अंदर हम 1 kg सॉल्ट जो है ऐड करेंगे, तो सैलिनिटी किसकी ज़्यादा होगी, सेकंड वाले की ज़्यादा होगी, जहाँ पे वाटर कम है इस यहाँ पे वाटर ज़्यादा है। या सपोज यही 1 लीटर जो वाटर है इसकी वेपोरेशन होगी, वेपोरेशन हो जाएगी तो हाफ लीटर रह जाएगा, लेकिन सॉल्ट की तो वेपोरेशन होएगी नहीं, सॉल्ट कॉन्टेंट तो उतना ही रहेगा 1 kg का 1 kg ही, तो यहाँ पर सैलिनिटी बढ़ जाएगी जैसे वेपोरेशन होएगी। अगर रेनफॉल साथ में होती रहेगी तो जो वाटर कंटेंट है ये भी बढ़ता रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे सैलिनिटी जो है वो ज़्यादा नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओशियनिक वेव्स कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से ओशियंस में जो वेव्स आती है उसको क्या बोलते हैं, सुनामीस। कभी कभार ओशन में जब अर्थक्वेक्स आता है तो ओशन की जो पानी के ऊपर जो वेव्स होती है ना उसको बोलते हैं सुनामीस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर इज लार्जली अफेक्टेड बाय। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है जो टेम्परेचर का ओशन वाटर का, उसको क्या चीज़ अफेक्ट करती है, एक तो ओशन करंट्स अफेक्ट करेंगे, क्योंकि ओशन करंट्स में वाटर की हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होती है, प्रिवेलिंग विंड से भी वाटर की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, जिससे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर को अफेक्ट होता है। लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड से भी टेम्परेचर अफेक्ट होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड पे जाते हैं वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है, राइट। फिर अगर हम डेप्थ की बात करें तो जो डेप्थ है ना वाटर की, ओशन वाटर की, वो अफेक्ट करती है वाटर के टेम्परेचर को वर्टिकली, इसका अफेक्ट पड़ता है वर्टिकली, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली कौन सी चीज़ अफेक्ट कर रही है, ओशन करंट्स, प्रिवेलिंग विंड्स एंड लैटिट्यूड, राइट। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर, 2, 3, 4। नेक्स्ट, अ सबमरीन माउंटेन राइजिंग मोर देन 1000 meters अबव द ओशन फ्लोर इज नोन एज, 100 meters से जो ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं सी माउंट। जो अबिसल हिल्स है ये अंडर वाटर ही होती है, ग्योर्ट्स क्या होते हैं, जो अंडर वाटर माउंटेन्स होती है, सबमरीन रेंज क्या है, जो अंडर वाटर माउंटेन रेंज है उसको बोलते हैं सबमरीन रेंज। नेक्स्ट, द ओशन रिलीफ इज जनरली, जो ओशन रिलीफ है वो मोर यूनिफॉर्म होता है देन दैट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स में डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, लेकिन ओशन रिलीफ में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती, ओशन रिलीफ यूनिफॉर्म होता है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आर वाइडर वेयर हाई माउंटेन्स आर वेरी क्लोज एंड पैरेलल टू कोस्ट। अब देखो, जहाँ पे हाई माउंटेन्स होएगी कोस्ट के पास, तो वहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो वाइड नहीं होएगी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वहाँ पे क्या होएगी, नैरो होएगी या फिर एब्सेंट होएगी, पहले भी ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड, कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगर सी काम है तो वहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनेगी डेपोजिशन ऑफ द डेट्रिटस। जहाँ पे अगर हम बात करें कॉन्टिनेंटल शेल्फ की और कैसे बन सकती है, ये बनेगी मरीन एरोजन ऑफ द कॉन्टिनेंटल मार्जिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेगेटिव चेंज ऑफ सी लेवल। तो
मैरीन इरोजन से भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनती है, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कैसे बनती है, सबमर्जेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स ड्यू टू टिल्टिंग ऑफ लैंड टूवर्ड्स सी। तो सेकंड 2, 3, 4 ये तीनों के तीनों ही सही स्टेटमेंट्स हैं, तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, वाटर बॉडीज विच हैव लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कौन सी वाटर बॉडी है, वो है ऑलिगोट्रॉफिक एरियाज। जो ऑलिगोट्रॉफिक एरियाज है वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होती है, और जो यूट्रॉफिक एरियाज होते हैं, ठीक है, यूट्रॉफिक एरियाज होते हैं वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा होती है। लिटोरल जोन्स जो मार्शी एरियाज होते हैं वो वाले आ जाते हैं, ठीक है। तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑलिगोट्रॉफिक एरियाज में होती है, और हायर कॉन्सेंट्रेशन जो होती है न्यूट्रिएंट्स की वो होती है यूट्रॉफिक एरियाज में, राइट। नेक्स्ट, थ्योरीज हाइपोथेसिस और लिस्ट 2 में आ जाते हैं रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो फर्स्ट है जियोसिनक्लिनल थ्योरीज, जो जियोसिनक्लिनल थ्योरीज है दिस इज रिलेटेड टू माउंटेन बिल्डिंग। सेकेंड, टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस, दिस इज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स। थर्ड, स्टेशनरी वेव थ्योरी, इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, ओरिजिन ऑफ टाइड्स के बारे में। और सबसाइडेंस थ्योरी है रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ्स एंड अटॉल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 ओशन ट्रेंच विद लिस्ट 2 रीजन। ओशन ट्रेंच में सबसे पहली है एल्यूशन, एल्यूशन ट्रेंच कहाँ पे है, ये है साउथ वेस्ट अलास्का में। प्यूर्टो रिको, ये है वेस्ट इंडीज में। रिकू, ये है ईस्ट ऑफ फिलिपाइंस में। एंड लास्ट टोंगा है फिजी आइलैंड्स पे, राइट। अगेन फैक्ट बेस्ड है तो इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। नेक्स्ट, द कोस्ट लाइन फॉर्म बाय सबमर्जेंस ऑफ माउंटेन रिजेस रनिंग पैरेलल टू द कोस्ट इज नोन एज डालमेशियन कोस्ट, तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट असर्शन, ट्रॉपिकल सीज इन इंडिया आर रिच इन फिश स्पीसीज बट देयर आर फ्यू इम्पॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स अराउंड द कंट्री। तो असर्शन वाली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। द क्वांटिटी ऑफ फिश ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज इज लेकिंग एंड हैंस नॉट कमर्शियली एक्सप्लॉयटेबल, तो रीजन वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज योर आंसर। नेक्स्ट, फॉलोइंग रिलीफ जोन्स आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशन बेसिन्स। फिर वही बात आ गई, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, डीप सी प्लेन्स, ओशन ट्रेंचेस, 2, 1, 3, 4 करेक्ट सीक्वेंस आ जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स द हाइपोथेसिस ऑफ परमानेंसी ऑफ ओशन बेसिन एंड कॉन्टिनेंट्स। तो ये एक थ्योरी है, तो इस थ्योरी के बारे में बताना है कि कौन से पॉइंट्स इस थ्योरी में है। फर्स्ट है द क्रॉस सेक्शन ऑफ ओशियन बेसिन कंप्राइजिंग द ब्रॉड अबिसल थ्रू फ्लैंक्ड बाय रिम लाइक कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स। तो फर्स्ट वाला जो है वो फैक्टर सपोर्ट करता है इस थ्योरी को। ये फैक्ट बेस्ड है, अब जो थ्योरीज होती है ना, थ्योरीज में सही लिखा है गलत लिखा है वो मैटर नहीं करता, जो चीज़ लिखी है थ्योरीज में उसको हमें लिखना पड़ता है, वो हमें बतानी पड़ती है कि हाँ इस थ्योरी में ये चीज़ लिखी हुई है, तो वो हमें वहाँ पर बतानी ही पड़ती है, सही गलत का यहाँ पर सवाल नहीं होता। Occurrence of shallow water sands and muds limited to continental shelf and slope, while that of pelagic oozes being limited to abyssal plains. So second wala B iska factor hai. Third, absence of normal sedimentary rocks on ocean island. To third wala B iska factor aata hai. To 1, 2, 3 tino hi sahi hai. Next, the deepest oceanic trench Mariana. Mariana trench kaun se ocean mein hai? Wo hai Pacific Ocean mein. Which one of the following sequence of ocean trenches? अब ये ocean trenches का sequence बताना है ascending order में। तो सबसे पहले आएगी Aleutian Trench, then New Harbides Trench, then Mindanao Trench। तो option C आ जाएगा answer। Next, Sargasso Sea। Sargasso Sea में क्या है? यह है typical marine vegetation होती है Sargasso Sea में, right? Next, water table डिस्कस कर चुके हैं। वाटर टेबल क्या होता है? द अपर लिमिट ऑफ द जोन ऑफ सैचुरेशन। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। देन लास्ट क्वेश्चन, नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू, नॉटिकल माइल कितना होता है? 5 to 80 feet, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।